आज हिंदी दिवस है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारतीयों की सांसों में बसी है। यह सबकी संस्कृति, सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। गांधी जी ने अपना जीवन देश की स्वतंत्रता के साथ साथ हिंदी की सेवा में समर्पित कर दिया था। अब हिंदी न केवल भारत की बल्कि विश्व की भाषा बन चुकी है। संसार के विविध क्षेत्रों में हिंदी करोड़ों लोगों की जीविका बन चुकी है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा की आवश्यकता हुई। यह काम हिंदी से ही साध्य हो सका। आज हमें एक से अधिक भाषाएं सीखना जरूरी है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी का स्थान महत्वपूर्ण है। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए एक भाषा की आवश्यकता होती है, जिसे सारे भारत के वासी जानते हैं। वैसी भाषा ही हिंदी है, जो सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाती है। इसलिए देश के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में गौरवान्वित किया है। तब से हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मना रहे हैं। आज भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, फिजी, गुयाना, सुरीनाम, त्रिनिदाद टोबैगो, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, कुवैत आदि देशों में हिंदी की मांग बढ़ती ही जा रही है। विदेशों में भी हिंदी की रचनाएं लिखी जा रही है, जिसमें वहां के साहित्यकारों का भी विशेष योगदान है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है कि विदेशों में भारतीयों से आपसी व्यवहार करने के लिए वहां के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं। इस तरह हिंदी की मांग आज विश्व भर में बढ़ती ही जा रही है। इसलिए भारत के अलावा अन्य देशों में भी कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार व प्रसार में जुटी हुई है, जिनमें केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी शिक्षण प्रशिक्षण कार्यों से देश विदेश में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज विश्व भर में करीब 150 से अधिक विश्वविद्यालय हिंदी संबंधी कोर्सों का संचालन कर रहे हैं। बैंक, मीडिया, फिल्म उद्योग आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस तरह आज हिंदी नए नए रोजगारों का प्रमुख आधार बन चुकी है। हिंदी से अपने भविष्य का निर्माण करने वालों के लिए www.rajbhasha.nic.in, www.ildc.gov.in, www.bhashaindia.com आदि वेबसाइट सेवा में तत्पर है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है। इसका प्रमाण यह है कि सारे विश्व में 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। इस तरह हिंदी राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शोभित है। हिंदी है देश की शान, करो इसका सम्मान। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, और प्रमुख कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने भी कहा है, हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। और राजगोपालाचारी जी ने भी, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो है ही, यही जनतंत्रात्मक भारत में राजभाषा भी होगी। करो हिंदी का मान, तभी बढ़ेगी देश की शान। हिंदी है देश की बिंदी, ना करो हिंदी की चिंदी, करो इसे अपने हृदय में बंदी। हिंदी है तो हम है, बिन हिंदी हम क्या हैं। हिंदी से बढ़ती देश की शान, इससे ही होगा हमारा सम्मान। देश को एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि भावों की अभिव्यक्ति है। आइए हम सब मिलकर इसको अधिक से अधिक उपयोग में लाए। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदी है हम, हिंदी है हम,
हिंदी है हम वतन है, हिंदू सुता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। और एक बार आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।